महाराष्ट्र में सरकार थी तब मंत्री रहे, फिर किसान मोर्चा के राज्य अध्यक्ष बने, फिर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी बने, ऐसे अनिल बोंडे जी उनका सम्मान वैष्णव जी और कोल्हापुर के पहलवान जिन्होंने महाविकास आघाड़ी को हमारे कुश्ती में एक गांव ऐसा रहता है कुश्ती में एक गांव ऐसा रहता है कि जो सामने वाले के ध्यान में नहीं आता है, लेकिन कुश्ती में पहलवान थे देवेंद्र जी थी और देवेंद्र जी कुश्ती खेल रहे थे और कुश्ती खेलकर जिन्होंने राज्यसभा सदस्य बनाया एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धनंजय महाड़ी। मंच पर विराजमान सभी मान्यवर, सभी विशेष रूप से अपने केंद्रीय रेल मंत्री और आईटी मंत्री, अपने राज्यसभा को प्रभारी जो तो दो तीन दिन से लगातार है दिल्ली में काफी मीटिंग चल रही है, उनको भी जाना है, ज्योतिरादित्य जी को भी जाना होगा, देवेंद्र जी को भी प्रवास में जाना है, इसलिए सम्मान पहले हुआ है। मेरे दो मिनट के मनोबल के बाद मैं देवेंद्र जी को ही विनती करूंगा कि वो सबको सम्मानित करेंगे। यश ही सबका उत्तर है, यश मिला तो सुबह जल्दी जल्दी पवार साहब ने अपनी मनोभूमिका व्यक्त की कि देवेंद्र जी लोगों को संभालते हैं, लोगों देवेंद्र जी लोगों को प्रेम देते हैं, और उनका निशाना कुछ अलग था, पवार जी को समझना कोई आसान नहीं है, उनका निशाना था कि कोई और सीखे उनसे, अरे 2.5 साल में सिखाया क्यों नहीं भाई। तो यश सब बदल देता है। पवार जी ने दोपहर को ही, वो कितने दूर दृष्टि है, कल दोपहर को ही उनको ध्यान में आया कि पराभव होने वाला है तो पूरा चले गए। तो ऐसे यश के बाद सारा चित्र बदल रहा है। मुझे आज पत्रकारों ने पूछा कि 10 तारीख के विधान परिषद में क्या होगा, मैंने क्या होगा जो राज्यसभा में हुआ वही विधान परिषद में हुआ, और उसमें तो उससे दो कदम आगे होगा। फिर उन्होंने कहा, पूछा कैसे होगा, तो मैंने कहा कि भाई इसमें वोट दिखाकर देने थे तो देवेंद्र जी का हाथ दबाकर कुछ लोगों ने मेरा बोला कि सीक्रेट बैलेट में करेंगे, वो सीक्रेट बैलेट में करेंगे, ऐसा उनका हाथ दबा दबा कर रात को दुखने लगा, इतने लोगों ने हाथ दबाया है। तो विधान परिषद में 4 सीटें तो अपने कोटा की है और 2 सीटें के लिए फॉर्म भरा है। लोग राज्यसभा चुनाव में जैसे चाहते थे 25 साल चुनाव नहीं अभी क्यों होना है, तो लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं कि जिसको मराठे में करके मोड़े पर वाकड़ा नहीं, त्यामुळे मोड़े पर वाकड़ा नहीं भूमिकेतून ते वाकले नाही आणि त्याच्यामुळे राज्यसभा निवडणूक लागली आणि मग अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली। महान नेते संजय राऊतांना 6व्या नंबरवर जावं लागलं, त्याने ते हुशार असतील तर विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये 13 तारखेला विड्रॉवल आहे, 2 दिवस आहे, देवेंद्रजी खूप प्रेमळ आहेत, माणसांना रिसीव करतात, थोडं प्रेमाने बोललं तर त्यांचा शर्ट काढून घेता येतो, इथे सीट काढून घेणं दर्शन आहे, तर ती बिनविरोध होण्याचा प्रयत्न ते एक शहान पण शिकून करतील, अन्यथा धोबी बजार तोताही है, देवेंद्रजी उसके लिए प्रसिद्ध है। तो 10 तारीख के बारे में भी छूटेंगे। मैं अभी अपने नेता जिनके बारे में मैंने कल पत्रकारों को पूछा, कहा कि जिनके दिमाग में क्या है वो उनको भी मालूम है, जो है वो ये मानते हैं कि उन्होंने जो बताया उतना करना है, जो करने में यदि प्रश्न पूछे रहेंगे कि भाई ये इसमें से क्या होने वाला है तो उसमें से यश नहीं मिलेगा। 106 MLA बीमार होने के बाद, लक्ष्मण भाव जगता बीमार होने के बाद 0.5 डजन MLA विदेश में गए थे, लेकिन प्रेम ऐसा कि 10 तारीख को सुबह भी पहुंचे। तो ये जो देवेंद्र जी ने एक विश्वास अपने बारे में व्यक्त किया है कि ये आदमी हमारा नुकसान नहीं करेगा, अभी आज धमकियां दिया जा रही है देवेंद्र जी कि हमको लिस्ट मालूम है कि किन्होंने कहा, अरे ऐसे होता है कि भाई वही बोल रहे हैं ना पवार जी, जरा सीखो देवेंद्र जी से। तो ऐसे एक कुशल संगठक माननीय देवेंद्र जी अब सारे अपने इस सम्मान कार्यक्रम का समारोह करें।